फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद उज़्मा। फ्रेंड्स, आज जो मैं रेसिपी लाई हूँ वो है दाल चावल। इजीली तैयार हो जाते हैं, तो आइए मैं बताती हूँ मैं किस तरह से बनाऊँगी। तो ये मैंने 500 दालें ले ली हैं, 250 ग्राम है ये सब मिलाकर। अब मैं इनको अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। इधर मैंने चावल बनाने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि ये मैंने कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा भिगो के रखे थे और अब मैं इसको बनाऊँगी। तो मैंने इसमें पानी डाल लिया है, इससे डबल चावलों से, और उसमें नमक ऐड कर दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये होने लगे हैं तैयार। तो आइए मैं इधर करती हूँ दाल की तैयारी। गर्मी में ये खाना बहुत अच्छा होता है, टेस्टी, इजीली बन जाता है और पसंद आता है सभी को। तो दाल चावल फ्रेंड्स, मैंने अच्छी तरह इसको वॉश कर लिया है। इधर फ्रेंड्स, मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लिया है, जो मैं इसमें ऐड करूंगी। कम से कम 7 से 10 मैंने कलियां ली हैं लहसुन की, और कुछ टुकड़े दिए लिए हैं अदरक के। तो इसको ग्राइंड कर लिया है। सबसे पहले हम ऐड करेंगे कुकर में दाल, उसके बाद ऐड करेंगे हम इसमें पानी। पानी आप उसके दाल के आप हिसाब से रखेंगे, क्योंकि हमने भिगोया नहीं है दाल को ज़्यादा। तो हम इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी डालेंगे, कम से कम 2 गिलास तो डालने हैं पहले हमें, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कितना और डालना है या नहीं डालना। फ्रेंड देखिए, चावल हो गए तैयार। अब मैं इसका जो पानी है यानी मांड स्किन, अब हम निकाल देंगे पानी को। तो फ्रेंड्स, पानी हमने इसका निकाल दिया है। अब इसे कम से कम 1 मिनट के लिए चूल्हे पर रखेंगे, उसके बाद चूल्हे को बंद कर देंगे। ये दम में ऐसे ही आएंगे। उधर हमने एक दाल का चूल्हा मतलब चला दिया है। अब हम इसमें सबसे पहले पानी डालकर डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, ये देखिए, साथ में नमक ऐड करेंगे। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो अब डालेंगे हम इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, हम डालेंगे इसमें मिर्च पाउडर, मतलब आप जैसे चाहें, ज़्यादा तीखा पसंद करते हो तो ज़्यादा, 1 चम्मच। बाकी मैं इसमें 1/2 चम्मच कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा हरी मिर्च भी ऐड करनी है, तो इसलिए मैं मिर्च कम ही डालूँगी, रेड मिर्च। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैंने इसमें पानी और ऐड कर दिया है, मानी मुझे कम लगा था, तो मैंने कम से कम इसमें 2.5 से 3 गिलास ऐड कर दिया है पानी। तो हम इसमें प्रेशर लगाएंगे और विसल लगाएंगे 2 से 3, ज़्यादा नहीं, ताकि हमारी दाल गले, ज़्यादा हलवा ना बन जाए, क्योंकि हलवा दाल गली भी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। थोड़ी सी खिली मतलब ऐसी होनी चाहिए, बिखरी बिखरी सी, तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में और खाने में भी। तो ये देखिए ये फ्रेंड्स, हो चुका हमारा 1 मिनट, और अब हमने इसमें इसको चूल्हा कर दिया है बंद। और ये देखिए मसाला, चावल हमारे हो गए हैं बिल्कुल रेडी। ये देखिए मसाला बिल्कुल खिले खिले, आप देख सकते हैं। तो है ना, इजीली बिल्कुल आराम से बन जाती है, बहुत आसानी से, और टाइम भी कम लगता है। ये फ्रेंड्स, बिल्कुल हो चुकी है रेडी दाल। तो हम अब छौंक की तैयारी करेंगे। फ्रेंड्स, 1 बड़ा चम्मच ले लिया है मैंने ऑयल, इसको गरम कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ऑयल हो चुका है गरम, तो अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप मतलब सॉरी 1/2 प्याज, ये देखिए। साथ में डाल देंगे हम जीरा 1 चम्मच, और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। फ्राई करेंगे हम, इसे गोल्डन ब्राउन होएंगे। आप चाहे तो इसमें टमाटर ऐड कर सकते हैं, वरना चिली भी कर सकते हैं।
विश। तो देखिए फ्रेंड अच्छी तरह से हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये फ्राई हो चुकी है, तो अब हम इसमें डालेंगे 1 पिंच हींग। हींग से एक फ्लेवर आता है और डाइजेशन भी बहुत अच्छा होता है खाने में। देखिए फ्रेंड्स दाल हो चुकी है रेडी, अब हम इसमें डालेंगे छोक, साथ में ऐड करेंगे हम इसमें हरी मिर्च। तो रेडी है हमारी दाल और चावल। देखिए फ्रेंड्स रेडी है माशाल्लाह मेरे दाल चावल। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें मेरी। तो इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ फिर कल हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।